वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंदजान में आपका स्वागत है। अल्लाह के मुकरम से और आपकी जो आपके साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। दोस्तों फलक झिल्लानी भाई का कमेंट, भाई ने कमेंट किया कि इमरान भाई अगर कबूतर की हड्डी परफेक्ट हो और आंख और पर खराब हो तो क्या कबूतर अच्छा उड़ सकता है। दोस्तों देखो यार, जितनी बारीकी से शायद हम समझाते हैं आपको, शायद ही कोई समझाता हो या कोई बताता हो आपको, ठीक है। हमारी बात पर गौर करें कि आंख इतनी जरूरी नहीं है जितने जरूरी पर हैं भाई। पर अगर अच्छे होंगे तो ही तो उड़ेगा वो। आप कहते हो कि खाली हड्डी हड्डी अच्छी हो, पर और आंख अच्छी ना हो तो क्या वो उड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। उड़ान के लिए सबसे ज़रूरी कबूतर के अंदर पर की क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छी उड़ान का सपना देख रहे हो कि कबूतर अच्छी उड़ान दे, टाइमिंग ज़्यादा हो, क्योंकि वो वक्त चला गया जब लोग बाग कहते थे बस टाइम पार बैठ जावे, बस किसी तरह से मेरे टाइम पार बैठ जावे, बस सदियों से चला रहा था बस टाइम पार बैठ जावे टाइम पार, और अब फुल टाइम, समझ गए। तो ऐसी उड़ान के लिए दोस्तों कबूतर के अंदर पर की क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और कबूतर की हड्डी, अब हड्डी कई प्रकार की होती है, कौन सी हड्डी? जोड़ों वाली हड्डी, चुभने वाली हड्डी, इनका भी मुकम्मल शरीर में परफेक्ट होना जरूरी है, ठीक है ना। ज़्यादातर आप कहीं भी चेक कर लो। देखो मैं आपको शॉर्टकट कहना चाहूँगा, अगर आप अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हो ना, जहाँ कबूतर बाजी में उड़ते हैं जाके उनकी हड्डी चेक करो। ज़्यादातर आपको जो फुल टाइमिंग मारते हुए कबूतर नजर आएंगे उनके अंदर वही क्वालिटी नजर आएगी जो हम बताते हैं हड्डियों की, ठीक है। बाकी कोई खुले जोड़ या छोटी हड्डी या गोल हड्डी का शाम तक उड़ता हुआ, वो ऐसा हो जाता है कि ब्लड लाइन में किसी ने बच्चा मार दिया हो, वो हड्डी थोड़ी वैसी ले गया हो, तो वो भी उड़ान अपनी पूरी अच्छी दिखाता है, ठीक है ना। तो हड्डी का होना बहुत ज़रूरी है, सही है कि अच्छा होना, ठीक है। और दूसरा पर की क्वालिटी, पूंछ के पर तक की क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है उसकी, ठीक है ना। अब उसकी आप कैसी उड़ान चाहते हो वो सारी वीडियो हमने डाल रखी है, ठीक है ना। और आँख, आँख तो देखो मायने करती है यार नस्लों के ऊपर, हकीकत में आँख मायने करती नस्लों के ऊपर। हर नस्ल में आँखें दोस्तों अलग अलग तरह की है, तो आप आँखों के ऊपर ना जाएं, आंखों की बस देखो क्वालिटी नस्ल के हिसाब से होती है, ठीक है। मगर उड़ान के लिए परों का होना बहुत जरूरी है, हड्डी के खाली हड्डी हड्डी मत करो, परों का होना भी बहुत जरूरी है। परों की क्वालिटी भी जो समझ गया वही उड़ा पाएगा, ठीक है ना। तो हमारी इन बातों पे ध्यान रखा करें यार, ये नहीं कि हमने वीडियो जो डाल रखी है आप खाली हड्डी पे फोकस कर रहे हो, पर परों से तोड़ना उसने, ठीक है ना। आँख, आँख तो उसकी नस्ल की क्वालिटी के हिसाब से भैया हल्की फिक्की तेज गूढ़ी रिंग जर्रात, ये सब उनके उड़ान के हिसाब से होता है, नस्लों के हिसाब से आंखें होती हैं सबकी। हर नस्ल में अलग अलग तरह की आंखें पाई जाती हैं, वो बात अलग है कि क्रॉस करके बंदों ने अलग चीज़ बना ली, मगर नस्ल के हिसाब से हर एक किसी ने अपनी अपनी आँख अलग बना ली कि ये आँख मेरी वाली नस्ल में चल रही है। उन्होंने जोड़े की सेटिंग ही ऐसे कर दी कि वो सभी जोड़ के बच्चे उसी आँख से निकल के आ रहे हैं, और आगे जब उनके बच्चे जोड़े में डाले जा रहे तो उनकी भी आंख उसी नस्ल की चली आ रही है, समझ रहे हो ना। तो आंख, आंख पे आप इतना फोकस ना करें अभी, ठीक है। जो चीज पहचान बता रखी है वो देखें आंखों में, ठीक है। मेन उड़ान के लिए पर और हड्डी जोड़, इन पर फोकस करें, खाली हड्डी हड्डी पर फोकस ना करें, ठीक है ना। खाली हड्डी देखोगे और परों को नहीं देखोगे तो आपको वो उड़ान नहीं मिल पाएगी जो हर कोई कहता है कि फुल उड़ान, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना।